देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पहले हमको वो धक्का नहीं देले। आप इससे पहले कब धक्का नहीं देनी? तो इससे पहले रास्ता में कब आपकी गाड़ी खराब भी नहीं भेल रहे ना? भैया जैसे मिश्री के गाना सुनात रहले, एकदम लागत रहे रोमांटिक हीरो। हम जान बानी आज आप लोग बहुत हैप्पी बानी, कहे कि पूजा और रोहित के शादी होगी। लेकिन एक बात सोच ले बानी, चौंदी नांटी के पता चल जाए कि ये सब नाटक बात तब का हुई। जे इंसान से के ड्रिंक करके घर में आईला से शादी तोड़ सकेले, उका इतना बड़ा झूठ के पता चला पे शादी करी है। कौशा चुप रहा आप। सुना कौशा, हम तो से कोनो अभद्रता नहीं करे चाहत। तू ये घर में मेहमान हो, समरेस तोहरा के लेके आइल बा। लेकिन हम ही कहे खातिर मजबूर बानी कि सिद्धार्थ मिश्र के अपन पत्नी मानी की ना मानी, पूजा के ब्याह टूटी की ना टूटी, सुस्मिता रिश्ता के मानी की ना मानी, या सच के झूठ झूठ के सच हो जाए की ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमनी के घर का मामला हटे। एमे तू का इंटरफेयर करता रू। रुका सिद्धार्थ, रुको। सुन सिद्धार्थ, ये लेके से तुहर का रिश्ता बाई, हम कोनो बात नहीं करे के चाहता अब, कहे की हमें हमार कोनो रुचि नहीं खे। लेकिन एगो बात तो के हम साफ साफ कह देता नहीं, मिश्री के एक घर के बहू के हिसाब से हम मान ले बनी। तो एगो बात ध्यान से सुन लिया कि अबोकर कोनो अपमान हम ना बर्दाश्त कर सकब। ई बाहर का लेकी बार बार ही कही कि मिश्री तुहार केहू नहीं है और तुम मुंह बंद करके सुनत रहा, ई अब ना होई। तो तू अपना दोस्त के बोल दा कि अब वो सावधान रहे, ना तो अपना घर वापस चल जाए। हम एकदम बर्दाश्त ना करब। अरे आप कहे इतना गुस्सा करता नहीं, ये सब बात बाद में हो जाए। चला कमरा में चला। छोटका साहब, आप दीदी के सब कुछ सच सच कहे ना बता देते हैं कि आज जोन कुछ भी भइल बा उस सब कुछ बिल्कुल भी सच नहीं खे बा। वैसे मिश्री इतना भी ना समझ नहीं के बाड़ी कि केहो भी कुछ भी बोल दे वो करा के सच मान के चल जाए। तो फिर दीदी सब कुछ सच कैसे मान रहा बाड़ी? लेकिन हाँ, जब तक रोहित और पूजा दीदी के शादी नहीं हो जाला, उतना दिन तक इस सब कुछ हमनी के परिवार के सामने ही नाटक करे के ही पड़ी, करे के ही पड़ी। देखा उसा हमार बेस्ट फ्रेंड ही, हम प्रॉब्लम में फंस जाए इस सोच के वो थोड़ा डेरातिया। वो अच्छा से जानतिया कि आज जॉन जॉन भाईला सब ड्रामा है। इनफैक्ट हमरो अच्छा ना लगा तरला, लेकिन कौन उपाय ना रहला। कोसा रूम में चलो, आज हम तरह के कॉफी बना के पियाओ। तनी और कोसा, आई थिंक यू शुड रिलैक्स। जॉन जॉन ड्रामा करे करला सब हो गेल बा, इट्स ऑल ओवर। चलो हे भगवान, हम यहाँ पर खड़ा खड़ा का देख रहे बानी? गोपाल जी, आजकल बिना कारण से ही मिश्री की आंख में आंसू काहे आ जाला बताता? हे भगवान, बहुत बुरा लग रहा बाम के। आई ल कॉफी पिया, अपन दिमाग थोड़ा ठंडा करो। ल कोसा, तू जानता रू तरह के एगो बात बता के हम थक गए बानी। तू मिठाई के लेके काहे इतना सीरियस बाड़ू? कितना बार तारा के बोली कि ऊ हमार कुछ ना ही है, हम बाध्य हो के दादाजी खातिर ही सब कैले बानी। और जोन आदमी ब्याह के कंसेप्ट पर विश्वास ना करेला ओकरा खातिर ब्याह कैल ना कैल बराबर है। और हमने तो कितना बार कहनी कि तू जो बोलत बाड़ी सब गलत बा, सब तक तोहार तरह ना सोच सकेले और सब के इग्नोर भी ना करल जा सकेले, राइट? फिर घूम फिर के उहे बात। उहे बात आज तो के जे जे करे के पड़ल लोगन के दिखावे खातिर,
वो एक बार सोच के देखा था जरा। इश। का भाई? ना ना कुछ ना। तहरा में चीनी ना डाल के हम अपना में डाल ले बानी। एनीवे तहरा चीनी लगी तो तू ऐड कर लिया। असल में आज के दिन ही बहुत खराब बा। ना तो ये गलती होला। दरअसल सुबह से ये सर्कस चलता। और उस सर्कस के बंदर तू बारे से। लोग तो के नचात बाड़े। तो के तो ये सब बिल्कुल पसंद ना रहले। तू अपन डिसीजन खुद लेत रहले। केहू के बात सुनत ना रहले। केहू के सामने झुकत ना रहले। तो के याद बनाओ सिर। जॉन दे तू बेकार सेंटिमेंटल के चक्कर में वो लड़की से शादी कर ले लेना तो उहे दिन सब बंदर के नाच नाचत बाड़े। हाँ सेठ हम ठीक कहत बानी। मंकी डांस देखा सेठ हम जान बानी तो कि हमार बात अच्छा ना लागत बा। लेकिन तू तो अपन गलती से ऐसन काम कर लेले बारे कि तो के खुद भी विश्वास नहीं की हो। तो बोला था तो ऐसा काम आज से पहले कभी कहले बारे बतावा। तहार पहले फैमिली से कोनो प्रेशर ना रहे। खाली तो के दादा जी पसंद करत रहले। लेकिन अब अपन बहन खातिर हस्बैंड भी बन गए। इकरा पे केकर फायदा वो पता बा मिश्री की। सब अभी होकर पूजा करत बाड़े। और ऐसन की तू भी ओकरा के भी पूरा तरह से इग्नोर न करत बा। भैया तो अपन दोस्त से बाद में ना कहले। वो तो खुद ही चल गई ले। लेकिन वो कितना अच्छा लड़का बाड़े ना। ऐसन लॉन्ग ड्राइव पर जाए ला हमके बहुत अच्छा लगेला। ए रिंकी मिठाई वहाँ कोसा के रूम के सामने का करती है? चलो देख जाओ। चल चल चल। ए मिश्री। हाँ तू यहाँ पर का कर रहा बाड़ू? ओ सूप देवे खातिर आयल रहनी हम यहाँ पर इदनु के। क्यों ना रहे यहाँ पर ता तम के आवे के पड़ा लगे ले। ए जाके दे दीप काउ दुनु के द। हम जान पानी तो हमार बात पे ध्यान न देत बारे। तो के लागत बाग के तो अपन आपके अच्छा से जाने ले। लेकिन तू ना जाने ले हम तो के जाने ले। तो अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट बारे सेड। तो के अच्छा लागत बा जब गेहूं तो के अप्रिशिएट करे ले। और अब तो मिश्री के अपन पत्ते बना के ले गए रहे ले। तो दादा बुआ भाई बहन सब तो के अप्रिशिएट करत रहे। तो के अच्छा लागत बा। लेकिन एकर बात का हो कि पता बा सब तो उसे यह एक्सपेक्ट करे कि तो ओकरा के अपन पत्नी मान ली है। और तो यह कर बे हर फैमिली तो के पूरा तरह से खत्म कर दे ले से। I'm really very sorry सर। हम ये बात ना बोले के चाहते हैं लेकिन मुंह से निकल गई। पहले तो तहार फैमिली में दम घुटर रहले है ना। अब तो ऐसा ना होत बा। अब तो फैमिली के कहला पे बंदर के नाच नाच रहल बारे। सॉरी कोशा दी आप लोगन के डिस्कशन में बाधा देवे खातिर। आपके और भैया के खातिर सूप लेके आयल बानी। जॉन फैमिली से हमार भाई के यहाँ पर दम घुट रहल बाना उहे फैमिली के एक लोग उकरा खातिर खाना भेज दे बा यहाँ पर। और जॉन लेकी के वजह से एकर जिंदगी खराब हो रहल बा उहे बने ले बाड़ी। तोहार इतना सुने के बावजूद उ लेकी तू दोनों के खातिर खाना लेके आ रहल बाड़ी यहाँ पर। रिंकी तू कोसा के संगे ए लगा काहे बात करता रू? तू हमार दोस्ती है आई घर में मेहमान ही है। सब मैनेज तू भूल गए बड़ू का? हाँ मजबूर होके। आप मैनर्स रखे खातिर इतना सब बकवास सुन के भी चुप खड़ा पड़ा। यही खातिर हमके मजबूर होके ये सब मैनर्स भूले के पड़ल। आपसे ये सब एक्सपेक्ट के लिए नहीं रहली हम। आपके दोस्त आपके फैमिली के लेके जे मर्जी कुछ भी बोल रहल बाड़ी और आप मुंह बंद करके सुन रहल बानी यहाँ पर। छी आपके शर्म ने क्या वेला।
रिंकी चला चला रिंकी। रुकी छोड़ भैया, रुकी देखे दा हमके भी कि हमार भैया के कौन सा बंदर इतना नाच नचा रहल बा और उससे हमार भैया की जिंदगी में कैसे दिक्कत हो रहल बा। देखे दा हमके, देखे दा कुछ गलत बोला सी कोसा। हमनी के घर में कोनो बात करता नहीं सन, आ तूनी के बाहर खड़ा होके सुनत रह लोग, ये सब उचित बा? सच में ये घर में ना हमार दम बंद हो जाता। ये तो सही बात है कि घर में कोई के कोनो प्रिवेसी नहीं है और अच्छा नहीं लगत, अब लेवे नहीं गिर सकत हम ये सब। अच्छा सर, तू रिंकी पे काहे गुस्सा करत बाड़ी? ना ये गुस्सा ना है कोसा, ये गुस्सा ना है, हम अपन प्राइवेट लाइफ में कोई के एंट्री ना देवे नहीं। हमने के दो आदमी बैठ के यहाँ बात करते नहीं, हम नहीं चाहत बाहर से क्यों सुनो, अपन प्राइवेट स्पेस डिमांड कर कोनो गलत बात ना है। ये बेरी के जॉन हो जाओ, हम अपन बोरिया बिस्तर बांध के फौरन निकल जाए, जैसे भी हो हम दादाजी के मना ले। रोज रोज के झमेला हमारा अच्छा नहीं लगा। तू रिंकी दीदी चलिए अब यहाँ से, और आप कितना सुना ये सब बात अगर दादाजी के कान तक पहुंच जाए तो वो बहुत ही टूट जाए। हाँ, उनका अंतरे अंदर बहुत ही दुख हुई। चली दीदी चली। अब यहाँ रहे, चली रिंकी दीदी चली। मिश्री तू दरवाजा काहे बंद कर दे लो? हाँ हे भगवान, वो दोनों को कुछ बात करे के बाना। हाँ आप ऐसा कर दिली, यही खातिर उनका गुस्सा आ गई। आश्चर्य बात बा, अरे तुझे कुछ पता नहीं के चल रहा का, समझ में नहीं आ रही बात। ओके यावा तू हमारे साथ है। रिंकी दीदी सुना, वो लड़की के थोड़ा देखा सर, वो तो घर के बहू बन के सबके मुट्ठे में कर ले बारी। एक बात हम पक्का कह सके नी कि आज जो तहारा साथ नाटक कर ले बारी ना, तो हर लाइफ पार्टनर बने खातिर चाल चल ले बारी। हो हमारे ये बात लिख लिया, तोरा साथ हमके कुछ सीरियस बात करे की बा। मिश्री प्लीज यहाँ पे तू बैठा। रिंकी दीदी हमके नीचे जाके बहुत सारा काम करे की बा, खाना बनावे की बा, नहीं की भूख बा, हमने कभी बिल्कुल ही भूख नहीं खिलागल बा। छोटका भैया मिश्री की बात समझा दी, आपकी बड़का भैया के ऊपर कुछ अधिकार भी बा, जो की गोशा दी से बहुत ही ज्यादा बा यहाँ पर। हाँ मिश्री, देखा पूजा के जब रोहित के साथ शादी हुई तो एकनी के दोनों को आपस में अधिकार हुई। मिश्री तू भैया के शादी कैल वाइफ हो, उनका ऊपर तुम्हारा अधिकार बा। तू कुछ नेखे बोले लो ना, एक करके कोशादी इतना बोले ली। देखा रोहित के माँ इतना स्ट्रिक्ट बारी यही खातिर करके तो कि भैया भी इतना इज्जत दे ले रहे, और उहे सम्मान के बचा के तो के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होवे के पड़ी मिश्री यहाँ पर। देखा मिश्री, आज जन हमनी के राजीव भैया के घर को कहनी सन, ओकरा माँ के सामने जन जन बात भइल जन कहनी सन, ये सब कुछ लेकिन मतलब सब कुछ झूठ बा। रिंकी दीदी सब लोगन के सब कुछ आवे लगा बोला, हम स्ट्रिक्ट होके का करब? गुस्सा वाला साहब का हमके कबो पत्नी मनी है का? सब कुछ जबरदस्ती नेखिया हो खेला ना, नेखिया हो खेला। और ऐसे नहीं बाड़ी हमार पूजा दीदी, पूजा दीदी के हमार नेका जमाई बाबू कितना माने ला पता बाना। एक खातिर पूजा दीदी के पूरा अधिकार बा, और हमरा साथ है ये सब कुछ कहाँ बा बतावा। कहाँ बाड़ू का भाई? चला चला खाए का चला, हमके भूख लगल, चला सब। हमके भूख नहीं खेबा, यहाँ का हो रहा ई बात आप यहाँ पे सुन ले। का रे का इतना नाराज भैया? ना ना सोम भैया, गुस्सा हमरो आउता आएकरा तो गुस्सा ही भी ना करेला, दूगो सेल्फी उठावा ठीक हो गई। छोटी भैया, अरे बाबा काहे मारा मारी करत तारो, संत रहा।
देखा ना भैया, ओकरा तरह बड़ बड़ बात ना कर सके ने तो का हमरा के बुरा ना लागे ला बतावा। हम कुछ समझ ना पा रहे, का भैला बोला हम आके? और का हुई भैया के ई घर में इतना सफोकेटिंग लगता कि वो देश छोड़ के फौरन चल जाइयन। हम लोग ना कि उनका जीवन में बहुत इंटरफेयर करते नहीं सन, और मिठाई जब तक ही घर में रही तब तक ना कि सब चलते रहे। यही से वो डिसाइड कर ले बड़न कि वो ओवरसीज पोस्टिंग लिया। खाली दादाजी के कन्विंस कइल बाकी बा। बड़का भैया ई बोल रहे हैं कि यहाँ पे जोन कुछ भी हो रहा बा एकर जिम्मेदार मिश्री और हम है यहाँ पर। और इस सब बात ना वो कोशादी के सामने खड़ा होकर बोलत रहले। अरे बाबा तू इतना नाराज काहे हो जाता रहो, और सिद्धार्थ के बात के नाराज काहे लेता रहो, ओकरा माथे में बहुत कुछ रहला। कोशा के का दोष? अरे वो तो बंधु है, दोस्त है, एक दूसरे के साथ रहे ओकरा ना पता है। छोड़ा इस सब बात छोड़ा, जा मम्मी ढूंढत रही तो हमके घरे जाके। अरे इबार टोटल अकाउंट पूरा देखत है, एकदम लॉस है, हमके कुछ समझ ना आ रहा का होई। मिश्री लक्ष्मी माई के बोली हमला के घरे खाना पहुंचा दी, थैंक यू। जा आप सब लोग खाए खातिर जाए, हम के नहीं खेबू पा तो खेबू का है ना। आदित्य अग्रवाल जी आइसक्रीम दे ले रहे, वो भी तो ना खेलू। नहीं खेनी खाए कि हम के वो इंसान के साथ घूमे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला गया। पूजा रिंकी दीदी हम आपकी खातिर दूध लेके आवे थे, आप दूध पी के सूत जाएं बस, ठीक बा? आप लोग हमने के साथ चली तो चली। आप लोग मिश्री के इतना प्यार कर देले है ना कि दिक्कत से और बढ़ गई बा। ये एगो प्रॉब्लम बा, समझ गई नी? मिश्री के जे प्यार गईला वो मुसीबत में हो जाला। ये चीज गोपाल ना मिश्री के कपार में लिख के भेज ले बा। दिक्कत है ना, हमके हमार माँ दादाजी कितना प्यार करेले तो वो कितना दुखी है ना। का कर बोली गोपाल ते बात समझती नहीं की है, बिल्कुल भी समझती नहीं की है कि मिश्री क्यों के प्रॉब्लम में नहीं दिख सकेली। ये वो बहुत बड़ समस्या बा, बहुत बड़ समस्या बा। आप लोग खाए खाते चली, हाँ हम आवत हैं। नारिंकी ये लड़की के अंदर जरूर कोनो बात बा, ये तारा माने के ही पड़ी। छोड़ा पूजा तू आवा, हम जाता नहीं। ए रिंकी तू तब का कहत रहलो, आदित्य अग्रवाल के गाड़ी तो के पसंद ना आई। उफ पूजा गाड़ी काहे हमके पसंद देखे हुए, वो अनजान इंसान के साथ घूमे में हमके बिल्कुल ही पसंद देखे आवेला। बहुत ही चिपको जैसन इंसान बाऊ, लेकिन वो इंसान के पास पांच पांच गाड़ी बा, उबे अपन सोच सकेलू। हर गाड़ी के सामने अगर खड़ा होकर एक एक सेल्फी लेवल जाए, उफ सोशल मीडिया पे तो धमाल मच जाए। तू यहाँ पर बकवास करे के बंद करू पूजा, मिश्री की सिचुएशन देख रहा बारू ना, अतो के अपन सेल्फी के पड़ल बा बतावा था। जा तू नीचे खाई खातिर जा। तू भी चिल्लात बारो रिंकी, हम जात बानी। अच्छा भैल दूध तो पी ले लेना। अरे बाबा तार हाथ का है का पता, हम तो तरह के कुछ ना कहनी है। हाथ का अरे पानी गिर गई। गोपाल जी, गोपाल जी हेल्प, कहाँ और अलबा हमारा साथी गोपाल? केहू तो कहरल बाना, लेकिन हमके हमके गाना खाए सुनाई दे रहल बा। अब का चाहते हैं गोपाल जी? अजीब बा, जाते नीचे ग्लास रख के आवा थे ना, तो गिरकर टूट जाई था, हमारे तो हाथ में कंट्रोल भी नहीं खी बाना।
कोसा ठीके बोले रह लिया। लड़की जितना भी बोलो कि नाटक के हिसाब से ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मिश्री, मिश्री कहाँ बड़ो तू? तू इतना काहे चिल्ला तरू सुबह सुबह? हो सकता मिश्री सूतल भी आ। अरे का बोलता नहीं? अरे सूतल हो या तू चिल्लाए लागल बड़ू यार। मिश्री इतने देर तक सोवे लिखा? अरे सामने का दरवाजा खुलल बा। मिश्री अरे बुआ जी, हम पूजा घर साफ करत रहनी, अभी चाय लेके आवत है। अरे रुका रुका रुका, कहू ना जाबू। अरे थोड़ा प्यार करे दा। मिश्री तू लेकिन बहुत बढ़िया काम कैले बड़ू, लेकिन हमनी के सिद्धार्थ भी कोनो चीज में कम नहीं थे, का बोलते रहू? हाँ कुकी तू आ गेल बड़ू। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग। अरे ये खुशखबरी सुन के तहार दीदी तो रात के आवे के सोचत रह लिया। अत्ता पूजा अब ठीक भी अनु? बुझात तब बाटे, हम थोड़ा सा स्टडी में बैठल बनी। अरे सेठ का बोलता रहा, पूजा और राहुल के शादी फाइनल हो गई बा, आशीर्वाद भी होए वाला बा, और तुम्हार दिल में कोनो उत्साह ना बा। देखा पिताजी का खाई बा, हम बना के दे। अरे का खाई, कुछ खाए के सीख ले बा काई। तू एक काम कर, खूब बढ़िया से बैलेंस करके एगो ग्रीन टी बना दे। ठीक कला दादाजी, हम उहे पीएम। हाँ दीदी, हमारा रूम में पानी खत्म हो गई बा, तनी गरम पानी दे देना। सबके चाय चाहिए ना? बिल्कुल, सुन अदरक डाल के बढ़िया से बना के ले आओ। चलो बाबू बैठ जा हमनी के। आई बैठी। अरे मिश्री, लक्ष्मी की माँ अभी तक रसोई घर में ना आई ली? मौसी अभी तक नहीं खेल बाड़ी। माँ हम कहत बानी कि आज हमके घर जाए के पड़ी। वैसे भी का हो गेल मौसी जी, घर पे सब कुछ ठीक बाना? हाँ हाँ सब ठीक बा। वो हमारे घर पे शादी बाना, अगर हम ना जाए तो काम कैसे हो पाए, यही खातिर। वैसे भी का बोल? वैसे भी लक्ष्मी के पापा बोलत रहले कि कुछ दिन घर पे रह के ही काम करा। एको छोटा सा दुकान बाना हमने के, वही चलाई है। घर पर दुकान चलाई है? समझ ना पाईनी लक्ष्मी की माँ, एकर मतलब कि तू हमने के घर छोड़ के जात बाड़ू? हे भगवान, ये कैसे हो सकेला, इतना पुराना बाड़ू तू। माँ वो दुकान हम दोनों मिलके ही चलाए सोच ले बानी। सच कहीं ता इतना दिन से दूसरा खातिर काम कही नहीं, और अब अपन काम करब, ना तो तोहनी के छोड़ के जाए के चाहिए बताई ता। अहे मिश्री, तू ता हमार बात के समझत बाड़ो ना? हाँ मौसी जी, एकदम समझ गई नहीं। आपन दुकान के खोले के ना अलग ही खुशी बा। ओ दादी माँ बोला थी मौसी की आप जाए दी ना। अरे ऐसे कैसे जाए दे, जायदा बोलना से थोड़ी हो जावे ले। ए, ना बाबा लक्ष्मी की माँ सुना तो, कि अगर ये घर के छोड़ के जाए की बा तो केहू दूसरे के यहाँ पे रख के जाइबू, ताकि दिक्कत ना हुई। अरे बाबा इतना सामने हमार पूजा के सगाई बा। ना भाभी ना हो पाए। अच्छा अच्छा हमें को बात बोली, काम के ना बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करें। अरे मिश्री कभी काम को लेकर डर गए पड़ी का? पूजा दीदी के आशीर्वाद की जिम्मेदारी भी हमार बा, आप कोनो चिंता मत करें। अरे छोटी भाभी आप बेकार में चिंता करता रहूं, आप भूल गई नहीं हाँ कि हमरा साथ हमारे ग्रेट मिश्री बाड़ी ना। ओ मौसी जी आप जाइए, आप चिंता मत करें, हम लोग सब कुछ संभाले, आप चिंता मत करें। तब फिर जाएं मिश्री थंकू। अरे बाबा थंकू। ए तो कितना बड़ बड़ बात करके का जरूरत रहे? अरे बाबा समझत काही ना बाड़ू, घर में बहुत सारा काम बा, और तू अकेले सब काम कर सकेलू? हाँ। अरे छोटी बहू अकेले कैसे बाड़ी, हम बानी तू बानी, अरे सब लोग मिलके काम कर ली है। आजे हम बाबूलाल के बोला था नी एक नौकर ढूंढे करते। माई का हो गई, तुहार छोटकी बहू तो एकदम हमेशा फिटिए रह ली, कौन काम करी ये सब संभाली ना करके। अरे छोटे भैया सच में आप बहुत बदमाश बाड़े, काहे छोटी भाभी के परेशान करता नहीं? हाँ काहे गुस्सा दिलावे ले, और छोटी भाभी आप काहे चिंता करता नहीं, हम तो आ गए नहीं है ना, सब हाथों हाथ काम कर दे। हो चाची
आप बिल्कुल भी चिंता मत करी, हम इस सब को संभाल ले। और देखी अभी तो हमार सारा बिजनेस तो बंद ही बा ना। दादाजी हमार दुकान कब खुली बताई तम के? ये तो हमेशा ये बात बोले ली। हाँ ठीक कहले हा बेटा, देखा मिश्री अब बिजनेस बात है जब बिल्कुल ना चली। सुना अब आई खाली पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा हा? पिताजी सुष्मिता हमरा के कल कॉल कर ले रही, बोली कि पहले ओकरा के प्राइवेट एग्जाम देके स्कूल पास करे के पड़ी। सिद्धार्थ तू का बोला तारा? दीदी इस विषय में हम का बोल सकतानी? ले भैया तू ना बोली है तो के बोली? ये पिताजी कुछ बोली ना? बिल्कुल ओके बोले के पड़ी। ऊ मिश्रे से ब्याह के ले बा, ओकर जिम्मेदारी ले ले बटे। अब वह डिसाइड करी कि मिश्री अब पढ़ाई करी कि व्यापार करी। सुना तनी चरण अपन हेने लेके आवा तो बढ़िया होई। तुहारू ग्रीन टी ई लोग बना दी। अरे सरिता जाओ कर ग्रीन टी बना दे तनी। दादाजी तू लोग इस विषय में हमरा के काहे घसीट तारा लोग? देखा हम राजीव भैया के घर में हम मिठाई के कोनो विशेष काम से ले गए रहनी, आऊ तनी के अच्छा से जान तारा लोग। अगर तनी के लागत के हम अपन शादी के कंसेप्ट से भटक गए बनी तहनी के बहुत गलत सोचे तारा लोग। आई एम सॉरी हमरा लागल कि बता देवे के चाहिए, वही से हम कह देनी है। का करत का बड़ू तू? हमरा खातिर चाय ना बनावे के पड़ी तहरा, तू अपन काम कर। आज हटात हमरा खातिर चाय बनावे के का मतलब बतार? दादाजी बोले हैं यही खातिर, वरना हमके इतना फीका फीका चाय बनावे के कोनो शौक नहीं खे बाहा। बुआ जी हाँ? आप हमके ना आज से कोनो भी दिन ना उनकरा खातिर फीका फीका चाय और कड़वा कॉफी बनावे खातिर मत कही। हमके जैसे ऐसन चाय बिल्कुल पसंद नहीं खावेला, वैसे ऐसन लोग भी हमके पसंद नहीं खावेला। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। बाबा हम कहते रहले कि हमके एक बार अनवेश बाबू के घर जाए के चाहे, विवाह के दिन ठीक करे के चाहे। सोम एक और बात हम तोरा से जाने के चाहता नहीं, 3 महीने से दुकान के बिक्री एकदम घट गई बटे, ये बात तोरा नजर में काहे ना आइल? दादाजी दादा तू हमरा के कुछ कहले रहला। शट अप, का सफाई देबा तू? का बोले के बा छोटे? 3 महीने से दोनों दुकान के बिक्री घट गई बा, तोरा मालूम बा कुछ हो? और कारण के खोज के निकाली सोम ना? हम अकेला कैसे रिक्स ले ली काका जी? बोली आप तो हर चीज के मालिक रह बा, आप सब और कुछ हो तो कर रिक्स हमरा ऊपर आ देखा ही का? का कहले तू? इतना बड़ा साहस तोर हो गई स्काउंडल, मार के तोर मुंह। ना सर आप ही नहीं कर सकत। सिद्धार्थ हमरा को रोका मत आप, हमार दिमाग ठीक नहीं किया आज। हम कब्बो आपके मुंह लागल जवाब ना दिली, लेकिन आज आप जो हमरा ऊपर दोष लगे ले ओकर जवाब में हमरा के कुछ ना कुछ बोले के पड़ी। पिछले 3 महीना से हम आपके कुछ कहे के चाहते, लेकिन जब भी कुछ कहते तब भी आप कहते कि दुकान के चेंज करा और बदलाव। दुकानदार बदल के का हुई दादाजी? समाधान हुई का? मिठाई के दुकान में लगे दुकानदार के फेरी वाला ना जे टेके टेके सेल बढ़ाई। दादाजी हमारा लागत सोम भैया ठीक बोलता रन, और हम तरह से रिक्वेस्ट करते नहीं कि ड्राइंग रूम में ये तरीके घटना अब मत होके रहे। यहाँ बहुत आदमी बाटे,
अहिया बार बार क्योंकि छोटा दिखावल ठीक बात ना हो। ना ना सोम का है हमरा के छोटा होके के पड़ी हर जगह हर समय ये ना काल हमरा इतना मना के लगा बात भी तू लेकी के लेके गेला अपन पत्नी बना के लौटते समय गाड़ी खराब हो गई लिफ्ट जलस के जलस आदित्य अग्रवाल 10 बार अग्रवाल जी हमरा के फोन कर कर के उ लड़की के बारे में पूछा तारे ताना मर मर के हम तो हमें छोट नहीं होती है ना सिद्धार्थ दुकान में सेल का है कम हो गई जवाब सोमनाथ जी तक के दी हमने के परिवार के इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी तो वापस लेके आई ला ऐसे हम छोटा ना भाई नहीं और हमार छोटा भाई ले घर के केहू के नजर में ना आवेला हम तो घर के केहू नहीं की ना समूह ऐसा का बात बोला तारा बेटा तू ई घर के बड़ लड़का बा का भाई आप कहे चुप खड़े बड़े कुछ बोली ना मां प्लीज तू पापा के कुछ हो कहे खातिर मत कह जहिया से पापा लड़की के घर के बहुत स्वीकार कैले बड़े हमरा इधर बुझा गई कि घर में हमार कोनो मान सम्मान ना रही देख लेना सोम इतना बड़का बात कहला के बाद भी केहू कुछ नहीं के बोलत ऐसे बात करे के हो सकला सोम के उचित नहीं के भइल लेकिन ई त मान ही के पड़ी कि सोम जौन कहला सो में कोनो न कोनो सच्चाई तो बढ़ले बैठे व्यापार में यदि लॉस हुई तो वो एक आदमी की वजह से ना होला हाँ दादाजी जब उंगली हमरा ऊपर उठल तब हम कुछ करब रहुआ चिंता ना करी बात के इतना साथ नहीं के अपना के खुद के व्यापार के अकेला मालिक समझाता पापा हम आपसे कह देता नहीं पापा ये पूरा व्यवसाय के बर्बाद करके रख दी घर के बाकी लेका ई व्यापार में तो आयल ना केहू ए में इनकर प्रेस्टीज चल जाई दादाजी आपके मिश्री के बिजनेस ई घर में बहुत ज्यादा ही झमेला क्रिएट कर रहा था हमरा बुझाता कि अब दुकान बेच देवे के चाहिए तरीके के व्यवसाय आजकल चलेला लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए बालो क्यों खाला मिठाई आजकल दादाजी हम एगो बात बोली का अगर आप लोगन के कोनो बात के बुरा ना लागे तब मिठाई के बिना तो कोनो पूजा भी नहीं होखेला कोनो उत्सव नहीं होखेला कोनो पूजा भी नहीं होखेला अच्छा जब हम मिठाई रोज नेखे खावत हई तब उस मिठाई तो हमनी के रोज खाए के मन कर ला ना वैसे नहीं एगो मिठाई बा मनोहरा अगर हमनी दुकान पर मनोहरा बनावत हई तब तो लोग भाग भाग के दुकान पर ही आ जाइए दादाजी आप ही लड़की के स्टूपिड सजेशन एकदम मत ली प्लीज और हम रिक्वेस्ट करते नहीं प्लीज कि इस लड़की से कम दूर रखी कहीं कि एकरा बाद घर में बहुत बड़ा झमेला हो गया दादाजी हम कल स्टूपिड जैसे बात कर ली बानी और आपकी गुस्सेल वाला पोता का कहत रहे कि सारा दुकान के बंद करके बिक्री कर दी तो इका स्टूपिड वाला बात देखे बाकी ना ना बोला था नहीं हम की दादी माँ बोला था कि नाश्ता में आप का खाई बताई अच्छा चली 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 छोटू बात तो गलत नहीं के बोले मिश्री ये आइडिया हमनी के ले सके नहीं जा अब उकरे के काम पे लगा देवे के पड़ी हाँ मिश्री के हमनी के अपना मिठाई के व्यापार में इन्वॉल्व कर ही के पड़ी अब बुद्धि होकर एकदम से पक्का बाटे विशेष करके व्यापार के मामले में घूम घूम के मिठाई बेचत रहे तो लोग के पसंद और ना पसंद के उकरा ठीक से जानकारी बांटे सब सुन लिया फूफा जी
आप ही बताए ना, हम कौन इच्छा से दुकान के सेल करा। हम तो इतना कोशिश के लिए उखा के लिए, ना बिजनेस के कोनो आइडिया दिले, ना निजी कहके कुछ बोले, हर समय हमरा कहीं दोषी माने ले कैसे चली। सोम सोम रिलैक्स हो जा। सोम कहा कहीं बोला था हमरा ना तारा खातिर खूब खराब लगेला। सही कहता है। देखा भैया तो ऐसा के बड़ो सेल्फिश आ गुस्सेदार, लेकिन पापा जी वो भी तहारा होके कौनो कौनो बात केहू के ना कहे। पापा लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बदल जाता नहीं सोम। ऐसा बात काहे बोलते हैं पापा जी? काहे बोलता नहीं? तू जब निकल के आ गई ल, हर दादाजी का सोचले बानी जानता रह तू। मिश्री के बिजनेस में ढुकावे के मिश्री के लगे ना कि नया नया बहुत आइडिया बा। तू लेकिन ही मान मत ली हसो। बाबा जी ये बात बोल रहे, हम जब बोले जो है ओकर क्षति हम करब, वो बाबा जी की बात ना समझ में आई? ये तो हमरो सवाल है। तू तो कहला है कि जितना नुकसान भइल बा, जौन भी कुछ भइल बा, ओकर सब दाई हम हई, लेकिन ओकर बाद भी दादाजी तहार हमरा का बुझाता जानते रहो सोम। इस सिद्धेश्वर मधु के मिठाई दुकान के बिजनेस तू छोड़ दा। ऐसे भी तहरा के नौकर जैसन ट्रीट करेलन तहरा के बड़का बाबू। ओकरा बाद तहार दादाजी चाह तरन की तहार माथा के ऊपर केहू के बैठावे के आ उ होई मिठाई। तो ना फूफा जी, दादाजी ऐसा कब्बो ना करिए। ना हुई तो बढ़िया बा, हम तो वे चाहता नहीं, लेकिन हमरा बुझा था कि तारा माथा के ऊपर केहू के बैठावे के चाहता रहा। देख हम गलत हो भी सकता नहीं, लेकिन हम आवे के समय सुननी है कि ऐसा के कोनो डिसीजन लेवे के बात चलत होगा। लेकिन हाँ, हम एगो बात तारा के बता दी, तारा कभी भी ऐसा लागू कि यहां से तारा निकले के बा, हमरा के बताइए सोम, हम तारा के एक जन के पास लेके जाए। पापा जी आपके भूल हो रहा है, बाबा जी के हम बहुत अच्छा से जानीला, बहुत अच्छा से जानीला। सोम इंसान के मन बदले में ज्यादा समय ना लगेला। मिश्री के तहर दादाजी बहुत ज्यादा प्यार करेला, ये तो सही बात है। तू हो जानेला, हमू जानतनी, घर के सब क्यों जानेला। लेकिन ये अगर हो गई तो फिर तू लेकिन प्रतिवाद करिया, वादा करा हमरा से। अरे कहाँ बाड़ू, हेने आवा, देखा क्या आइल बा नंदनी और रोहित। हे भगवान, नैका जी माई बाबू आए ले। रुकी रुकी, हम बुआ की बुलावत है। ओ बुआ जी। हाँ आप चली हमरा साथ, आप साथ छोड़ी चली ना। अरे आराम से। हे भगवान, ये लेकी के हम का करी। अरे तू पहले हेने आवा। हाँ? कल घर लौटते वक्त बहुत कुछ भइल रहे। नंदिता वो सब तो बाद में हो जाए। उफ, रोहित चाय भी बना, आप भी जरूर चाय पिए। बैठा, हम हमें चाय बना के लावा था। मिश्री हा? जा पूजा के बुला के लावा। अब भी बुलावा थे। ओ पूजा दीदी, देखी के आई नहीं, देखी जरा, देखी नहीं का जमाई बाबू आई नहीं। आई आई मैडम, देखा तहार हैंडसम पति के लेके चलाइल बानी।
हे न्यावा। माँ पता बा, कल रोहित के मूड खराब हो गए रहले। बार बार बोलत रहे भाभी पूजा के एक बार फोन करी ना। हमके तो लागत बा शादी के पहले ही हाल बा, तो शादी के बाद का होई? ऐसे का बोला तारी नंदिता, हमार पूजा शादी के बाद बिल्कुल रानी बन के रही। सुना बुआ, तू एकरा के बैठा के बढ़िया से समझा दो कि एकरा बाद कुछ भी चाहिए तो अपना हस्बैंड से मांगो, हमरा से ना मांगो। संदीप काची मांगा थी तनी हमनियों को बतावा। हाँ, उनकर मन भइल बा कि वो फिल्म देखियन, वो देखियन मतलब और सब क्यों देखी। खर्चा तनी तू सोचा, साथ में पॉपकॉर्न बा, सैंडविच बा, कोल्ड ड्रिंक बा। अरे 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 अरे, तू इतना कंजूस कब से बन गई बाड़ा? ना 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 ना, बात कंजूसी के नहीं के, पैसा के बारे में भी तो सोचे पड़ी ना। वही से हम कहता नहीं, रोहित अगर पूजा के सिनेमा दिखावे ले जाये तो हर जगह से पैसा बची। तनी सोचा रिंकी? बात थोड़ा सा समझा। हाँ, अभी हम बात के समझ गई नी। हाँ, कल के सेट के गाना सुनला के बाद मिश्रब को ज्यादा ही समझत बाड़ी, है ना रिंकी? अच्छा बतावा, कल सेट कितना अच्छा गाना गाले रहले, है ना? तुहनी तो सब मिस कर देलू, मतलब ठीक से ना देख पैलू। वीडियो कॉल पे तो सब ठीक से दिखत भी नहीं खे। हाँ दीदी, तो सही कहलू हमने सबके तो। दीदी आप जैसन समझ रहल बानी वैसन कुछ भी नहीं खे बा। बड़का भैया घर पर लौट के आवे के बाद अपन पुराना बात पर ही लगल है वो। अच्छा अब इस सब बात के आप लोग छोड़ी ना। ओ बुआ जी सुनी, आप एगो काम करी हमार समझी ना, दादाजी के गुस्सेल पोता क्या बोल दी कि पूजा दीदी के और रोहित जीजू के बाहर जाके व्यवस्था कर दी, और इस सब कुछ गुस्सा वाला साहब ही कर सकत है।